हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो देखिए, बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि सिल्वर वाले चक्के को काट के डबल ब्रेक कैसे लगाई जाती है, डबल गदारी कैसे लगती है। तो आइए आज की वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। तो आप सभी का स्वागत है वीडियो में। देखिए दोस्तों, ये कि हमारे पास सेकेंड हैंड ट्रॉली है जिसकी हम रिपेयर कर रहे हैं। इसके दौरान ये कहीं अन्य दूसरी जगह से बनी हुई थी, उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से इसको बनाया तैयार किया था, जिससे कस्टमर को बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो अब वो हमारे पास आए हैं तो हमने इसका पूरा ही हल करके दिया है, जिससे कि अब वो बेफिक्र ही अपना काम कर सकते हैं। ट्रॉली भी देख सकते हो अब वहाँ पर पड़ी है, और ये इसमें पुराने ऋण पड़े हुए हैं। और देखिए कुछ तो रिपेयर हमने किया, जो कि जैसे कि इसमें बैरिंग भी पड़े हैं, दोनों लकड़ी के गुच्छे लगाए हैं, और वो दोनों तरफ से जो कि रिपेयर की जाएगी है। और दोस्तों इसमें क्या है, ट्रॉली के अंदर जो आपको ट्रॉली बनानी है तो उसमें एक चक्का वेल्ड करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं जाम चक्का, जो कि चक्का वेल्ड करने से ही काम करता है। वो अपना आगे को वजन खींचने में, रेडी को चलाने में, ट्रॉली को खींचने में बहुत ही काम करता है। तो देखिए वो इस तरीके से वेल्डिंग किया जाता है। जब आप भी अपने पास तैयार कर रहे हो तो इसको आप ऐसे वेल्डिंग कर सकते हो, जहाँ पर एंगल पर कोई भी रफ मटेरियल या छोटा सा पीस लेकर मेटल का, आप इसको जहाँ पर आपने पहला टांका लगाया है वहाँ पर ही ठीक इस तरह से एंगल को रखकर, ऐसे कुछ भी कपड़ा जहाँ पर ऐसे रखकर, जहाँ पर आपको कच्चा टांका मार लेना है, और यहाँ से देखना है आपको रखे से इसकी अलाइनमेंट सही है कि नहीं। आप जब इसको, ये चक्का पुराना था इसलिए इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, जो कि नमा होता तो हम इसको पूरे तक अच्छी तरह से सही कर सकते थे। और आप यहाँ देख सकते हो तो इस तरह से हमने किया है। जैसे यहाँ पे इसको हौले हौले आपको घुमा के देख लेना है, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि चक्के का अलाइनमेंट में कहाँ से प्रॉब्लम है, चक्के की अलाइनमेंट में कहाँ से प्रॉब्लम है। ऐसे कर सकते आप, इसमें पूरा चक्का खराब होने की वजह से प्रॉब्लम है, जैसे कि जहाँ से बहुत ही ज़्यादा स्पेस है इसमें, देखिए और जहाँ पर देखिए बिल्कुल साफ लग रहा है, ऐसे ही इस तरीके से आपको साइड वाली बराबरी में भी अलाइनमेंट करनी पड़ती है। देखिए जैसे जहाँ पर भी आप इस तरीके से कोई भी चीज़ ज्वाइंट कर सकते हो, ऐसे जिससे कि आपको अलाइनमेंट करने में बहुत ही मदद होगी। देखिए ऐसे कि इसमें ये है, साथ में आपको बरारी साथ साथ घुमा के देखनी है, जिससे कि आपको पता लग जाएगा अभी से बरारी का काम चल रहा है, थोड़ा सा इसमें फर्क है। बेहतर होगा बहुत ही बारीक तरीके से इसकी अलाइनमेंट करें, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, चैन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और काफ़ी मदद होगी आपको। कोई अलाइनमेंट करनी हो तो देख सकते हो आप इस तरह से, यहाँ पर एक कच्चा टांका लगा कर आप जैसे चक्के को किया इसी तरह से गरारी को सेट कर सकते हो। देखते हैं और अलाइनमेंट मिलाने के लिए आपको अलाइनमेंट का दोनों तरह से देखना पड़ता है। देखिए जैसे कि इस तरह से अलाइनमेंट बिल्कुल ही सीधी लग रही है, बिल्कुल ही सीधी अलाइनमेंट है, जिससे कि आप जैसे चलेगी भी बहुत स्मूथ चलेगी, आराम से चलेगी। और जनाब क्या हाल है? यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।